नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब सीकर अड्डा के नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से आपके बिजली बिल के सर्विस नंबर पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उसको आप कैसे चेक कर पाएंगे और दूसरा मोबाइल नंबर आप कैसे ऐड कर पाएंगे। उसके लिए आपको यूपी ऐप यहाँ पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लोगो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको ओपन करना है। और यहाँ पे ओपन करने के बाद इसमें इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस ओपन होता है। ओपन होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे दिखता है, ऐड एंड रिमूव मोबाइल नंबर। इस ऑप्शन पे आप करेंगे क्लिक तो आप इस ऑप्शन के द्वारा अपने मोबाइल नंबर को ऐड कर पाएंगे। और आपका मोबाइल नंबर ऐसे कोई बंद हो गया है, आपको मोबाइल नंबर चेंज करना, तो आप यहाँ पे रिमूव भी उसको कर पाएंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे करेंगे क्लिक तो आप सबसे पहले आपसे यहाँ पे IVS नंबर पूछेगा। आपका जो IVS नंबर, मतलब जो बिल में आपको जो कैपिटल N से नंबर चालू होता है उसको IVS नंबर बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे उसको करेंगे इंटर तो वो दूसरा ऑप्शन देगा, मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए वो यहाँ पे अब आपके जो आपने IVS नंबर डाला था उसके संबंध में यहाँ पे आपका IVS नंबर आ गया। आपका किस नाम से IVS नंबर है वो आपको यहाँ पे चेक कर लेंगे और वो बताएगा अभी आपका कौन सा फ़ोन नंबर यहाँ पे आपका इंटर है और कौन सी जीमेल आईडी इंटर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर आपके मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड नहीं है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करके और उसको यहाँ पे गेट OTP पे यहाँ पे आप करेंगे क्लिक। ये गेट OTP लिखा है यहाँ पे, इस पर आप करेंगे क्लिक। जैसे ही आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP जाएगा। जैसे ही आपके पास यहाँ पे एक OTP गया तो वो आपको यहाँ पे इस इंटर OTP वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको इंटर वो करना है। जैसे ही आप इंटर करते हैं पे डिस्प्ले करता है कि आपकी KYC बोल रहा हूँ, आपके जो फ़ोन नंबर है वो आपका 24 घंटे में यहाँ पे आपका लिंक यहाँ पे हो जाएगा। इसके लिए आपको परेशानी की आवश्यकता नहीं है, आपका घर बैठे ही आपका मोबाइल नंबर आपके बिल में IVS नंबर से ऐड हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।